नहीं मिली है अभी तक अरबाज की लाश। देखिए अभी तक कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बुधवार को मैंने एक खबर में बताया था आपको कि किस तरीके से अरबाज शेख जो कि ठाकुरपाड़ा में रहने वाला है, ये किस तरीके से एक अपनी प्रेमिका के लिए जो है जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है। और इसी के बाद अभी तक जो हम आपको पूरे डिटेल बताना चाहेंगे, तमाम रेस्क्यू टीम चल रहा है और घर वासियों का भी कहना है, NDRF की टीम जो है तैनात है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक अरबाज का सुराग नहीं मिला है। किसी भी टीम को गोताखोर अपनी तरफ से लगे हुए हैं। चूहापुल खाड़ी का हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर लोगों का अलग अलग अनुमान लगाया जा रहा है कि लाश जो है कटाई नाका पहुँच गई होगी या लाश जो है रेती बंदर पहुँच गई होगी। और ऐसे में अगर जानकारों की माने तो लाश जो है दलदल में भी फंस सकती है, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है। अगर लाश बहे भी होगी तो वो सीधा कहीं दूर चली गई होगी, और अगर लाश जो है दलदल में फंसी होगी तो वो अंदर चली गई होगी। कुल मिलाकर अरबाज के फैमिली वालों का भी कहना है, तमाम अपीलें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अरबाज का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। अरबाज के छलांग लगाने के बाद अब देखिए 27-28 घंटा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है लाश और बॉडी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। देखिए किस तरीके से तमाम लोगों ने अपील करी मीडिया से बातचीत करते हुए। एक बेटे का दुख से ज्यादा, बाप को दुख से ज्यादा और क्या तकलीफ हो सकती है, और इससे क्या बनेंगे तकलीफ, बाप और परिवार के ऊपर क्या बीतरी है, उससे क्या महसूस कर रही है। अभी तक जो है शव को बरामद नहीं किया जा सका, इसमें किसकी लापरवाही और किसकी लाचारी है? ये सब पायलट और इंडिया वाली कोशिश कर रहे, लेकिन बताते दिखाते और कुछ, बताते कुछ और करते कुछ, और कुछ ये नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? उमर। उमर, जिस तरह से मैं सुबह से यहाँ पर लगा हुआ हूँ और तुम लोग जो है फायर ब्रिगेड के पास में भी मौजूद थे, क्या बात हुई है सुबह में और किस तरह का जो है काम किया जा रहा है? सुबह में ये बात ही एक्चुअली अभी बात नहीं हुई थी, कल रात में बात हुई थी कि सुबह में 6:30 बजे तक हम लोग पानी के अंदर चले जाएंगे, आप लोग मत टेंशन लो, आप लोग ये मत करो, आप लोग वो मत करो। और जब सुबह में 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए, तब वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग की अभी थाना से टीम निकल रही है 6 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग रिटर्न 7 बजे आए, तब भी वो लोग हम लोग को ये बात बोल रहे हैं कि अभी भी हम लोग की टीम थाना से ही निकल रही है। तो ये कौन सी टीम है जो थाना से 1 घंटे के बाद तक के क्या निकल रही है? क्या आश्वासन दिया गया है इनके द्वारा और किस तरह का जो है काम किया जा रहा है? कोई भी एक्शन नहीं लिए। नहीं, आश्वासन क्या दिया गया है? आश्वासन बोले तो क्या इनकी तरफ से जो है रुझान है, आप लोगों की तरफ क्या कहा गया है? खाली यही बोल रहे हैं हम लोग को कि हम लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये टाइम भर्ती है, ये टाइम पानी कम है, ये टाइम हमारी बोट नहीं चलेगी, ये टाइम हमारे बंदे नहीं जा सकते। तो सर इतने इतने टाइम की ये लोग की ट्रेनिंग होती है, इतने इतने ये लोग की ट्रेनिंग होती है, इतना ये लोग को कठिन ट्रेनिंग सिखाते, उसमें भी ये लोग अब इस टाइम पे अगर ऐसा बोलेंगे कि हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग आप लोग ये लोग के पास हर चीज़ रहती है, ये लोग के पास हर चीज़ की सेफ्टी है, ये लोग हर चीज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो हम लोग ये लोग पे आँख बंद करके ट्रस्ट करके हम लोग इनको बुलाते हैं, और ये लोग हम लोग ऐसे टाइम पे ऐसा बोलेंगे कि हम लोग पानी के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर ये मतलब ये कौन सा मतलब कानून क्या है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। आपा किस तरह का जो है आप प्रशासन से अपील करेंगी अरबाज के जो है आत्महत्या को लेकर के और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, और क्या कहना चाहेंगी? कल जब वो बच्चा गिरा तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 5 मिनट में ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन अगर उस वक्त वो लोग कूद जाते, हमारे मन को ये तसल्ली रहती कि उन लोगों ने हमारी हेल्प की है, लेकिन उनकी तरफ से हमको कोई भी हेल्प नहीं मिली। हमने प्राइवेट में बोर्ड बुलाए, प्राइवेट में हमारे लड़के खुद उतरे जिनको तैरना नहीं आता था, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो नीचे उतरे, और आज जाके उन लोग हमको मिले हैं, जबकि मैंने आपको कॉल की बाहर से ही खड़े रह के फायर ब्रिगेड पे कि वो लोग नहीं आ रहे हैं साथ में, समीर भाई मैं क्या करूं जी। उसके बाद में ये लोग ने निकाले गाड़ी कि हाँ अब हम आते हैं, उस वक्त तक ये लोग ना आए कोई और ना किसी ने हमारी कोई हेल्प की है, सिर्फ आते थे खड़े रहते थे, पुलिस आती थी हमको भगा के चले जाते। अभी इनका क्या कहना है आप लोगों से? इनका कहना है हम कोशिश कर रहे हैं, कल पानी बहुत ज्यादा तेज था, आज पानी का बहाव कम है, किस चीज पे यकीन करें? कल पानी तेज था तो उन लोग को उतरने डर लग रहा था, उन लोग को पता नहीं किस चीज की ट्रेनिंग मिली है कि वो लोग तेज पानी में उतर नहीं सकते।
कल ये TDRS के TDRS की टीम आई थी क्या? नहीं आई थी कल। कौन सी? हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। कल टीम कौन सी मौजूद थी यहाँ पर? सिर्फ यही फायर ब्रिगेड वाले ही। फायर ब्रिगेड की टीम के कितने बंदे मौजूद थे यहाँ पर? ना मुझे आइडिया नहीं है। एक चार से पाँच, उसमें से कोई भी एक भी बंदा ऑफिसर थे और एक ड्राइवर था। अच्छा, और कोई भी नीचे नहीं उतरा। प्रशासन से क्या अपील करेंगी? अगर इसी तरह का कानून है और सिर्फ बोला जाता है कि हम लोग आवाम की हेल्प के लिए है, एनी टाइम कॉल करो, एनी टाइम हम हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी औलाद जाती है वो ही उस दर्द को समझ सकता है। ये लोग सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकते हैं, अभी पानी गहरा है, अभी पानी कम है। ओके, तो हम किस चीज पे भरोसा करें? गहरा पानी है तो उसके बढ़ने का इंतजार करें, बढ़ जाता है तो बोले इतना बड़ा हुआ पानी है तो हम नहीं उतर सकते, तो हम माने किस चीज को? नहीं, यहाँ की प्रशासन से अपील क्या करेंगी आप? समझाओ, जो जिनको आपने जिम्मेदार बना के बिठाए वो समझाए इन लोगों को कि जब पब्लिक आवाम आती है आपके पास हेल्प के लिए तो प्लीज उनकी हेल्प करो। वो लोग बहुत उम्मीद लेके आपके पास आते, आपके आगे हाथ जोड़ते कि प्लीज हमारी मदद करो, बचा लो हमारे बच्चे को। ओके भाई, क्या नाम है आपका? हरिचंद्र किने। किने भाई, जिस तरह से कल जो है अरबाज ने कूद करके आत्महत्या कर ली और उसका रेस्क्यू कल से जो है चालू है, हालांकि कल लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी जो है इत्तला दी थी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग और उनके रिश्तेदार वगैरह जो है वो पानी में गए हुए थे और उन्होंने भी रेस्क्यू किया। अभी आज सुबह से आपने रेस्क्यू किया है, आपको क्या लगता है कि बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो इंशाल्लाह, क्या मालूम है जो है पानी का बहाव है वो, ये क्या तालाब नहीं के ये नहीं, ये पानी उतरता चढ़ता है, कभी भरती रहती है तो भर जाता है, ओटी होती है तो नीचे जाता है। और एक ऐसा है मतलब रेती बंदर के बाहर गई जी, हाँ रेती बंदर के बाहर गई तो भी कहाँ तक मिलेगी बॉडी अपने को मालूम है? हाँ, जो मिली तो अपने हाथ में, नहीं तो उधर कैसा है मतलब रेती बंदर के साइड में, वो आलिमगढ़ के साइड में गए तो उधर है ना कुत्ते लोग खींच के बॉडी को खा जाते, इतने कुत्ते खाड़ी के अंदर। अभी यहाँ पे देखेंगे तो तुमको कितने तभी कुत्ते देखेंगे खाड़ी में। तो आपके अनुमान के हिसाब से कितने मतलब घंटों में मिल जानी चाहिए बॉडी? ये है ना, तुमको बॉडी है ना जितना पतला लगेगा ना तो उसको निकलने में 26 से 27 घंटे लगते हैं, और जितना मोटा लगेगा ना वो जल्दी निकल जाएगी बॉडी। अच्छा, अभी मैं कम से कम ये 30-35 साल से यही काम कर रहा हूँ, जितने भी इधर होते हैं इसको मैं ही करता हूँ। तो ये बॉडी है ना रात के पानी में थोड़ी उठी होगी तो समझो कभी ऊपर के साइड में भी गई होगी, माता डी गाँव के साइड में, खड़ी गाँव के साइड में, नहीं तो एक तो ये साइड में रेती बंदर के साइड में। तो आज हम लोग खड़ी गाँव तक एक नाव भेज दे ले अपनी ना, और हम लोग इधर सर्च ऑपरेशन कर रहे, जो मिली तो अभी ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन अपन फिर कल निकल जाएंगे। कल तो मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे भांजे का ये है 10वां, तो मैं उधर जाने वाला, तो दो नाव अपने रहेंगे इधर ढूंढने के लिए। किन्हीं भाई, जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी मतलब एक सहानुभूति के लिए, जहाँ पर उन लोगों ने उस बच्चे को देखा था वहाँ पे फायर ब्रिगेड या जो TDRF की टीम है वो उतर करके हमारी मतलब एक सहानुभूति के लिए कि भाई एक जो है वो है कि आपने हमें रखा, हाँ उतर करके देख लें ताकि इनको तसल्ली हो जाए। अभी पानी का बहाव है, मैं जब भी बोलूंगा ना हाँ। तो ये सब उतर जाएंगे, क्या पानी का बहाव है जब खड़ा हुआ रहने के लिए जगह नहीं जी। अभी तुमने देखे होगे मेरी नाव कितनी स्पीड में आई, चढ़ाने के टाइम में भी कितने हमारे कसरत हुई। तो पानी का है ना जो भाव कम होने के बाद में हम सब इधर ही उतरेंगे, जो जितना है ना सर्च ऑपरेशन अपन करेंगे कि पानी भरना चालू हुआ, का टाइम चालू हो जाएगा, फिर बोलेंगे पानी बढ़ गया। अरे बेटा कितना साल हुआ तेरे को इधर, कितना साल हुआ खाड़ी का, वही काम मेरा मुलुक है ये, मेरे अब्बा इधर के सरपंच तो है ले, लेकिन कल भी यही बोले बेटा, थे कल नहीं जाता है। पानी के इसमें है ना कोई जीत नहीं कर सकता, जीत है ना पानी के इसमें कोई नहीं जीत कर सकता, कितना भी तैरा के रहने दे। चेतन भाई, जिस तरह से जो है आज सुबह से मृतक के परिवार वाले जो है परेशान है, उनका ये कहना है और खास करके उनका ये आरोप है,
फायर ब्रिगेड के ऊपर कि कल 1:30 बजे उन लोगों ने जो है जाकर के कंप्लेन किया था, लेकिन उनकी कंप्लेन पे भी किसी ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया। आज सुबह 6 बजे का टाइम देने के बावजूद 8:30 से 8 बजे तक आप लोगों की रेस्क्यू टीम थाना से आई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी टीम थाने से निकली अभी और तुरंत यहाँ पे पेड़ का पाला आया और इधर पहुँची 7 बजे। 7 बजे पहुँची और फायर ब्रिगेड का भी सर्च ऑपरेशन चालू है सुबह से। उन्हें दोनों साइड पे भी गिरफ्तार किया है अभी। वो सुबह में 6 बजे भाई फायर ब्रिगेड वाले को मैं क्या बोलने के लिए, हाँ वो गिरफ्तार अभी चल रहा है। अभी वो लोगों की वजह से इधर सर्च करने हम करने वाले हैं। अभी आप अपने बंदों को नीचे उतारेंगे? हाँ देखता हूँ, बोलते पानी कम होने भाव थोड़ा कम होने के बाद वो शोध कार्य करेंगे। ओके, आपका शेलार साहब, मृतक के परिवार वालों का आपके ऊपर आरोप है, फायर ब्रिगेड के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने जिस वक्त आप लोगों को जो है इत्तला दी उस वक्त आप लोगों ने आकर के किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, और आज सुबह भी ये गए थे आपके पास में तो आप लोगों ने जो है कुछ लिखा पढ़ी के उसमें या किसी में भी आपने जो इसको डिले किया है, तो सर क्या सफाई देंगे आप? जब ये लोग आए 6:30 बजे 7:45 बजे तो हम लोग ने अर्चिंग किने को फोन किया था तो बोले 9 बजे तक पानी शांत हो जाएगा। अच्छा, जब भी 2 बोट निकल के अपन जा इधर आ सकते, तो हमारा 4 आदमी उधर भेज दिया था तो अर्चिंग किने और उसके दोनों में हमें 4 लोग साथ में आए इधर, तो काम सोच कर चालू था जी। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि बॉडी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा या नहीं? अभी पानी खाली होने के बाद टीडीआर टीम आई है तो हम नीचे उतर सकते हैं। पाटिल सर, आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा, हालांकि आप जो है फायर ब्रिगेड के सीनियर भी हैं, और कहने का ये मतलब है कहीं ना कहीं मृतक के परिवार वालों का फायर ब्रिगेड वालों के लिए जो है आरोप है कि इनके कहने के बावजूद कल जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई पानी में उतर के नहीं की, जिसकी वजह से अभी तक जो है बच्चे का शव जो है बरामद नहीं किया जा सका है, और आज सुबह आप लोगों को बोलने के बाद आपकी टीम आई है, TDRF की टीम आई है, और अभी जो है मैंने देखा कि जो है बोट से सर्चिंग ऑपरेशन चालू किया गया है। सर क्या कहेंगे आप के कब तक जो है सर्चिंग ऑपरेशन आपका चालू रहेगा और शव को कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? जब तक बॉडी मिलती नहीं तब तक सर्चिंग ऑपरेशन चालू रहेगा। और पानी का कल जो आप बोल रहे हैं पानी का फ्लो इतना था कि बॉडी एक जगह से दूसरे जगह किधर गई होगी उसका कुछ पता नहीं, लेकिन अभी उस ढूंढने का काम तो फिलहाल चालू है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।